या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं आपके साथ आत्रेय विश्वास रॉय। नवरात्र माँ शक्ति की उपासना का महापर्व है। यूं तो माँ कण कण में बसी हैं, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म और पुराणों के मुताबिक माँ सती का जहाँ जहाँ पर भी अंग गिरा था वो सारे पीठ शक्तिपीठ कहलाए। और इन्हीं शक्तिपीठों में ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा का वास होता है। पुराणों की माने तो भारत में ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। ज्वाला जी, कामाख्या, पुरी, कलकत्ता और देवघर जैसे शक्तिपीठों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 9 शक्तिपीठों के बारे में जो भारत देश के बाहर हैं, जो पड़ोसी देशों में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल हमेशा ही बना रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है? ऐसी मान्यता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के मंदिर में सती माता का सिर का भाग गिरा था। ऊंची पहाड़ी पर बना ये मंदिर गुफा के रूप में है। मंदिर परिसर में गणेश और कालिका माता की प्रतिमा भी स्थापित है। हिंदुओं के साथ साथ यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी माता के दर्शन के लिए आते हैं और सेवा देते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस यात्रा को नानी की हज कहते हैं। गुहेश्वरी शक्तिपीठ तकरीबन 2500 साल पुराना है। गुहेश्वरी दो शब्दों से मिलकर बना है। गुहा यानी कि सीक्रेट और ईश्वरी यानी कि देवी, ये दो शब्द हैं जो मिलकर बने हैं। गुहेश्वरी शक्तिपीठ काठमांडू के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इस शक्तिपीठ में माता के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति है महाशिरा और भैरव है कपाली। 17वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। हर साल इस शक्तिपीठ में नवरात्र के समय मेला लगता है, जिसमें भारत, भूटान के साथ कई देशों से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। बांग्लादेश के सुगंधा नदी के तट पर उग्रतारा शक्तिपीठ है, जहां कहा जाता है कि माता का नासिका गिरा था। यहां की देवी सुगंधा हैं और भैरव त्रयंबक हैं। ये मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर भी देवी देवताओं की खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं। यहाँ पर जो पुरानी मूर्ति थी वो अब चोरी हो चुकी है। अब उसके जगह पर नई मूर्ति स्थापित की गई है। फिलहाल इस मंदिर में देवी उग्रतारा की मूर्ति है। ये मूर्ति बौद्ध तंत्र से संबंधित मानी जाती है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मुक्तिनाथ धाम नेपाल के थोरांगला पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। हिंदुओं के लिए ये मंदिर बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा यह जाता है कि यहाँ के गंडकी नदी में जो भी स्नान करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस शक्तिपीठ की पहचान शालिग्राम पत्थर से होती है। इस शक्तिपीठ में सती का कपोल गिरा था। यहाँ पर सती, गंडकी, चंडी और शिव चक्रपाणी हैं। हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बांग्लादेश के चंद्रशेखर पर्वत पर माँ भवानी देवी मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है। और ये माना जाता है कि माँ सती की दाई भुजा यहाँ पर गिरी थी। यहाँ की देवी है भवानी और यहाँ के भैरव हैं चंद्रशेखर। यहीं पर पास में ही सीता कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, जनकोटी शिव भी हैं। यहाँ के बाडव कुंड से लगातार आग निकलती रहती है। शिवरात्रि को यहाँ भारी मेला लगता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ श्रीलंका में है, और ऐसी मान्यता है कि इसे खुद लंका नरेश रावण ने बनाया था। इस मंदिर में शिव की मूर्ति स्थापित है, जिस वजह से शिव और शक्ति की पूजा यहाँ एक साथ होती है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के शरीर का उसंधि यानी कि पेट और जांग के बीच का हिस्सा गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी और भैरव राक्षसेश्वर हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे शांति का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ श्रीलंका के अलावा भारत के तमिलनाडु से श्रद्धालु आते हैं। तमिल भाषी हिंदुओं की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है। बांग्लादेश के भवानीपुर गांव में माता की पायल गिरी थी, जिसके बाद इसे शक्तिपीठ बनाया गया। माता के अपर्णा रूप की यहाँ पर पूजा होती है। अपर्णा यानी कि जो भगवान शिव को अर्पित है। यहाँ भैरव को वामन कहते हैं।
मंदिर के पास शक नाम का तालाब है। इसमें स्नान के बाद माता का दर्शन किया जाता है। हर साल इस शक्तिपीठ में भारत, श्रीलंका और नेपाल से हजारों भक्त आते हैं। खास बात यह है कि हिंदुओं के साथ यहाँ मुस्लिम श्रद्धालु भी आते हैं। आम दिनों में यहाँ काली की पूजा होती है, लेकिन नवरात्र में कलश स्थापना की जाती है। जशेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के जसौर खुलना में है। यहाँ माता की हथेली गिरी थी। माँ शक्ति के इस रूप को जशेश्वरी कहा जाता है और भैरव चंड हैं। महाराजा प्रताप आदित्य ने इस शक्तिपीठ की खोज की और अब यहाँ माँ काली की पूजा होती है। यहाँ हर शनिवार और मंगलवार को दोपहर में पूजा होती है, जबकि 1971 से पहले पूजा रोज होती थी। मुख्य मंदिर अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसीलिए नाट्य मंदिर बनवाया गया, जहां से माता काली का दर्शन होता है। भारत में जितनी भी शक्तिपीठे हैं, वहां पर लोग धार्मिक यात्राओं में जाते हैं, पर एक समय भारत का हिस्सा रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, तिब्बत के शक्तिपीठों के बारे में लोग कम ही जान पाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भारत की ऐसी ही सांस्कृतिक धरोहर की कहानियाँ बताते हैं। नमस्कार।